नमस्कार दर्शकों, धर्म टीवी पे आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ ज्योति शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे देवता जो मोहित कर दे, जो मुग्ध कर दे, जो आते तो बिना किसी उपेक्षा के हैं लेकिन जब जाते हैं तो आपकी अपेक्षा से कई गुना ज़्यादा आपको देकर जाते हैं, आपकी झोली खुशियों से भर देते हैं और आपके जीवन में मंगल ही मंगल कार्य कर देते हैं। इस बार गणेश चतुर्थी पर किस तरह आप विघ्नहर्ता मंगलकर्ता भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना कर सकते हैं, चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है इस बार का शुभ मुहूर्त व शुभ समय। मान्यता के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के मध्याह्न के समय भगवान गणेश जी का जन्म हुआ, इसलिए भगवान गणेश की स्थापना और पूजा का सबसे श्रेष्ठ समय मध्याह्न काल ही होता है। गणेश चतुर्थी पर मध्याह्न काल में अभिजीत मुहूर्त के संयोग पर गणेश स्थापना की जा सकती है, जो कि सुबह लगभग 11:55 से दोपहर 12:40 तक रहेगा। इस बार गणेश चतुर्थी पर शुक्ल और रवि योग बन रहे हैं। इसके अलावा अगर ग्रहों की बात की जाए तो सिंह राशि में चतुर्ग्रही योग भी बन रहा है। चतुर्ग्रही योग यानी सिंह राशि में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र चार ग्रहों का शुभ योग के साथ ग्रह नक्षत्रों के इस शुभ संयोग में गणेश स्थापना को बहुत ही शुभ माना गया है। चित्रा नक्षत्र में होगी इस बार गणेश स्थापना। गणेश चतुर्थी का पर्व सोमवार के दिन है तो गणेश स्थापना भी चित्र नक्षत्र में की जाएगी। मंगल के इस नक्षत्र में चंद्रमा होने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। चित्र नक्षत्र और चतुर्थी का संयोग सुबह लगभग 8 बजे से शुरू होगा। विघ्नों को हरने वाले प्रथम पूजनीय माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र भगवान गणेश आपके सभी विघ्न बाधाओं को दूर कर देते हैं, आपके जीवन में आने वाले सभी कष्टों को हर लेते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की स्थापना लोग अपने अपने घरों में बड़े ही धूमधाम से करते हैं और आने वाले 10 दिनों तक इनकी पूजा अर्चना इसी धूमधाम के साथ की जाती है। साल भर में पड़ने वाली चतुर्थियों में इस चतुर्थी को सबसे ज़्यादा पूजनीय माना जाता है। गणेश चतुर्थी का सभी भक्तों को बेसब्री से इंतजार होता है। वो आज के दिन पूरी आस्था और पूरे विश्वास के साथ भगवान गणेश को अपने घर में लेकर आते हैं। वैसे तो साल भर में जितनी भी चतुर्थियां आती हैं उन सभी में भगवान गणेश की पूजा की जाए, उनकी उपासना, उनकी आराधना की जाए तो आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं, लेकिन गणेश चतुर्थी का अपना ही विशेष महत्व होता है। गणेश की पूजा देवताओं में सर्वप्रथम क्यों की जाती है ये आज हम आपको बताते हैं। कहते हैं एक बार देवताओं में ये बहस छिड़ी कि कौन सबसे ज़्यादा पूजनीय और प्रथम पूजनीय है। उस वक्त सारे देवतागण मिलकर भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव ने सबके आगे एक शर्त रखी। भगवान शिव ने कहा कि सभी देवगणों में जो सबसे पहले अपनी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस हमारे पास आएगा वही सबसे ज़्यादा पूजनीय होगा। सभी देवता अपने अपने वाहन के साथ पृथ्वी का चक्कर लगाने निकल गए। उस वक्त गजानन श्री गणेश ने अपनी सवारी पर अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती के साथ परिक्रमा ली और इस परिक्रमा के बाद जब वो उनके सम्मुख खड़े हुए तो भगवान शिव ने उनसे पूछा कि तुमने पृथ्वी का चक्कर ना लगाकर हमारी परिक्रमा क्यों ली। तो भगवान गणेश ने कहा कि मेरी पृथ्वी, मेरा संसार तो आप ही हैं। जब सभी देवतागण वापस आए तो सब भगवान गणेश को देखकर अचंभित हो गए और भगवान शिव ने कहा कि धरती पर किसी भी शुभ कार्य से पहले सबसे पहले भगवान श्री गणेश को पूजा जाएगा। भगवान शिव के इस फैसले से सभी देवता अचंभित थे। तो फिर भगवान शिव ने सभी देवताओं को बताया कि जिस देवता ने अपने माता पिता को सर्वोपरि मान लिया वही व्यक्ति, वही देवता, वही ईश्वर सबसे बड़ा भगवान है। प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश की पूजा सच्ची आस्था,
सच्चे विश्वास के साथ अगर आप करें तो वो आपके जीवन के हर दुख हर तकलीफ को हर लेंगे। विघ्नहर्ता मंगल करता आपके जीवन में मंगल ही मंगल करेंगे। गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल धर्म टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हमारे आज के इस बेहद विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। जय श्री गणेश। धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें धर्म.tv और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें।